हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि विकास परियोजनाएं तथा ढांचागत सुविधाओं जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है ताकि जनता को उनका पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा है इसलिए वे जनता की सुविधाओं के लिए तीसरी बार बातचीत करने आए हैं और लोगों के अनुसार ही कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कालका पिंजौर रेलवे लाइन पर बनने वाले आरयूबी का अवलोकन करने के बाद लोगों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि प्रजातांत्रिक सरकार में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों की सुविधाओं के लिए खड़ा किया जाता है। सरकार का प्रयास है कि लोगों को आवागमन करने के लिए बेहतर अंडरपास मिल जाए और मोहल्ले के निवासियों के साथ साथ आने जाने वाले लोगों को भी मार्केट की सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनता की सुविधाओं के लिए दो प्रकार के नक्शे तैयार किए जाएंगे। सभी नागरिकों की सहमति होगी वही कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार जो जनता के हित में होगा वही निर्णय लिया जाएगा। हमें बताया गया कि जो दूसरे वाला प्रपोजल है कि सर्विस लेन भी और जो मेन जाने के आने की सड़क है उसको एक ही लेवल पर किया जाए और हम अपनी बेसमेंट की दुकानें मेन दुकानें बढ़ा लेंगे। ये प्रपोजल जो है ये सबकी ओर से बताया गया कि ये ठीक है। बोलिए ठीक है ना, ये ठीक है तो इसलिए हम इसी को पास करते हैं। हमने इस काम के लिए अपने मंत्री पीडब्ल्यूडी जो हमारे डिप्टी सीएम है श्री दुष्यंत चौटाला उनसे भी मैं सहमति ले ली थी कि ये चाहते हैं वो लोग। अपने विभाग पीडब्ल्यूडी से उनसे भी आज सहमति होगी उनका कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला ऊपर वाला कोई बनवा लें और इसमें रेलवे को भी कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि उन्होंने तो अंडर पास ही देना दो लाइनों का, चाहे हम साइड सर्विस रोड ऊपर रखें चाहे नीचे रखें उनको कोई आपत्ति नहीं। इसलिए आपकी ये मांग को मंजूर किया जाता है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।